दीर्घायताब्जनैनं नैनाभिरामं श्यामं सुकोमलतरं वपुरा दधानः भूयान्मदीयहृदयां भुजमध्यवर्ती श्रीद्वारिकानगरनागरचक्रवर्ती भक्तौघकल्पतरुतुल्यमतीव कान्तं तालाङ्कबन्धुमुखतामरसैकरूपं तैलंगतल्लज्जमनल्पतरप्रतापं इल्लम्मगारूतनयं कलयामि चित्ते। यदंगीकृतं जीवमंगीकरोति त्रिभंगिस्वयं वेणुरंगिर्प्रभुर्यद् गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। पुष्टि टीवी के माध्यम से सभी सुग्न वैष्णवजनों को और समस्त आत्मीय वल्लभीय जनों को वर्षोत्सव के इस विषय को लेकर जब हम सत्संग स्वाध्याय कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं पुष्टि टीवी के सभी कार्यकर्तागण को, आयोजकों को, संयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि इस माध्यम से कम हम आपसे सत्संग के दो शब्द वार्तालाप के रूप में करके और वैष्णवता का ये संबंध, गुरु शिष्य के संबंध को और साथ साथ हम अपने प्रभु से ज़्यादा निकट पहुँच सकें, उसके कई अलग अलग सिद्धांतों को, विचारों को, विकल्पों को हम इस सत्संग के माध्यम से सुनते रहे हैं। आगामी भी अनेक विषयों को हम चिंतन में रखेंगे। वर्षोत्सव के इस विषय को लेकर सत्संग का मुख्य प्रयोजन यही है कि आप और हम सभी साथ में मिलकर अपने प्रियतम प्रभु की प्रसन्नता का पात्र कैसे बन सकें और वो पात्रता हम में कैसे निर्माण हो जिससे हमारे सर्वस्व, ऐसे हमारे प्रभु हम पर प्रसन्न हो। श्री आचार्य चरण, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने, श्री गोपीनाथ चरण ने, श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने जीव के हित का विचार करके, जीव के प्रीत का विचार करके, कैसा भी जीव हो, जिसका स्वभाव दुष्ट हो, जिसका संग दुष्ट हो, जिसके विचार दुष्ट हो, मलिन हो, फिर भी उसका कैसा परिमार्जन किया है। जैसे हम पात्र प्रक्षालन करते हैं और उस पात्र की पुनः सुंदरता स्थापित हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे अनेक प्रकार के दोषों को नज़रअंदाज करते हुए उसे कैसे भक्ति में, प्रेम में, भाव में, समर्पण में, शरणागति में रूपांतरण किया जा सकता है, ये एक विशेष कला श्री आचार्य चरणों के बिना हमारी कौन सुधि ले सकता है और ये विशेष कला आपके सिवाय और किस में आ सकती है। वर्षोत्सव के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहा है कि हमारे में रहे हुए दोषों का निवारण हो और वर्षोत्सव में, पूरे वर्ष में आने वाले तीज त्यौहार, उत्सव महोत्सव जो भी हम मनाते हैं, उन सभी तीज त्यौहारों में केवल हम सेलिब्रेशन का रूप नहीं रखते हुए, केवल मनोरंजन या आनंद का भाव नहीं रखते हुए उसके मर्म को जाने, उसके रहस्य को जाने और ये उत्सव क्यों मनाया जाता है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे के कारण को हम जाने, इसलिए वर्षोत्सव का क्रम लिया गया है। जैसे पिछली बार हमने विचार किया था, इससे पूर्व के एपिसोड में हमने मनोमंथन किया था कि कोई एक संकल्प हमें एकादशी के दिन उपवास के संग संग, व्रत के संग संग लेना चाहिए। हम भगवत सेवा में हाथ पवित्र करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारा स्वधर्म है, करना ही चाहिए। हम भगवत नाम लेते हैं, गुरु आदेश है और हमारा कर्तव्य है, हमें भगवत नाम लेना ही चाहिए। कीर्तन करते हैं, करना ही चाहिए, गुरु आज्ञा है और अपना धर्म है। प्रभु के तत्सुख का विचार हम करते हैं सेवा में, उस हाथ पवित्र करते समय प्रभु के तत्सुख का विचार हमें करना ही चाहिए, हमारा दास धर्म है। सेवक का यही धर्म होता है कि हमारे प्रियतम प्रभु के जो भी अत्यंचित हमारे पास है, जो भी हम निवेदन कर सकते हैं, जो भी हम अर्पण कर सकते हैं, आप प्रभु उसे अंगीकार करके और प्रभु प्रसन्न हो, इससे बड़ा दास के लिए, सेवक के लिए
और क्या महोत्सव हो सकता है और क्या उत्सव हो सकता है। तो एकादशी के दिन हम व्रत उपवास करें, प्राचीन परंपरा को जानने वाले लोग जागरण करके भगवद राम भी करते हैं, किया जा सकता है, लेकिन वो भगवद नाम उस प्रकार से लें कि सुबह जब वापस द्वादशी के दिन बारस के दिन हम भगवत सेवा प्रारंभ करें, उस समय सेवा के समय में प्रमाद न हो, सेवा के समय में हमें निद्रा न सताए, सेवा के समय में हमें अरुचि न हो, उस प्रकार से एकादशी के दिन रात्रि को भगवद नाम का आश्रय करना चाहिए। विशेष रूप से जो नियम एकादशी के पालन के लिए वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों के लिए, जो एकादशी महात्म्य में बारोथनी एकादशी है तो उसका ये वैशिष्ट्य है, निर्जला है तो उसका यह वैशिष्ट्य है, ऐसे हर एकादशी का अपना एक महत्व है, अपनी एक वार्ता है, अपना एक प्रसंग है, अपना एक अति वैशिष्ट्य स्वरूप है। लेकिन उस एकादशी के व्रत के साथ साथ कुछ ऐसे संकल्प हम करें जिसके माध्यम से हमारी पात्रता का भी निर्माण हो, प्रभु लायक हमारे मन बुद्धि विचार बने और प्रभु हमारे प्रसन्न हो, ठाकुर जी को हम लाल लड़ा सकें, ऐसा सुंदर वैष्णवी जीवन हमारे जीवन से जुड़ा रहे। ब्रह्म संबंध लेना, ठाकुर जी पधराना, भगवत सेवा करना, उसमें हाथ पवित्र करना, नित्य नियम के पाठ कीर्तन आदि करना, ये सब तो हम करते ही हैं, करना ही चाहिए और यही हमारा धर्म है। पर हम साथ साथ में मानव हैं, मनुष्य भी हैं, हम साथ साथ में जिस देश में रहते हैं उस देश के नागरिक भी हैं, हम साथ साथ में हिंदू धर्मावलंबी भी हैं, हम साथ साथ में ब्रह्म संबंधी हैं, इसलिए सौभाग्य से वैष्णव भी हैं। ये चारों प्रकार का चिंतन अगर करें तो मनुष्य के रूप में, इस नागरिक के रूप में, हिंदुत्व का पालन करने वाले एक आदर्श हिंदू के रूप में और वैष्णवता का पालन करने के लिए एक वल्लभीय जन के रूप में, हमें निश्चित रूप से कुछ आवश्यक जीवन को रूपांतरित करने वाले बिंदुओं पर विचार हर व्रत के संग करना चाहिए। ऐसा 5 वर्ष तक भी अगर चलेगा तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में कई विषयों को लेकर, कई दुविधाओं को लेकर, कई मनोमंथनों को लेकर हमारे जीवन में जरूर एक आदर्श व्यक्तित्व की स्थापना, एक उत्तम वैष्णव के लक्षण की स्थापना अपने जीवन में स्वयं हम कर सकेंगे। वर्ष में आने वाली 24 एकादशी हैं, उन 24 एकादशियों में जिस प्रकार से सभी नियम का हम पालन करेंगे, उसी प्रकार से प्रति एकादशी हम श्री महाप्रभु जी के उत्सव से प्रारंभ कर सकते हैं और श्री महाप्रभु जी के उत्सव के एकादशी को एक वर्ष पूर्ण कर सकते हैं। बारोदनी एकादशी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का उत्सव, तो हम उस उत्सव के दिन हमारे गुरुदेव के चरणों में विनती करते हुए कि आने वाली हरेक एकादशी के ऊपर 11 के व्रत के साथ साथ, उपवास के साथ साथ, प्रति एकादशी को हम ये एक एक शब्दों के ऊपर अपने जीवन के साथ उस शब्द की कनेक्टिविटी, हमारे उस शब्द के साथ उस विषय को लेकर हमारे जीवन का संबंध और हमारे जीवन में वो वस्तु न आए, उस विषय का हमारे जीवन से जितना हो सके हम परित्याग कर सकें और जितना हो सके उन 24 शब्दों को, उन 24 विषयों को लेकर हम इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी को विनती करें कि ये 24 दुस्संग के 24 ऐसे विषय हैं कि जिनके कारण से हिंदू धर्म का, वैष्णवता का और साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनेक स्पीड ब्रेकर्स आते रहते हैं। उन स्पीड ब्रेकर्स को दूर करने के लिए ये उपाय है कि हम 24 एकादशियों के दिन इन 24 वस्तुओं का परित्याग अपने जीवन से करने का संकल्प श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में धरें। अच्छा, तो 24 बिंदु कौन से हैं, कौन सी 24 वस्तुओं को हमें
आने वाली 24 एकादशियों में से निवृत्त करना होना है। आने वाली 24 एकादशियों में प्रति एकादशी, जैसे बारूथनी एकादशी है, तो उस दिन हम संकल्प क्या करेंगे कि भाई ईर्ष्या भाव मेरे में हो तो वो लेश मात्र न रहे, अथवा हो तो उसकी मात्रा कम हो। इस पर हम ईर्ष्या को दूर करने के लिए 4 या 5 वाक्य हम लिखेंगे, या सुबह से ही मनोमंथन करेंगे कि आज श्री महाप्रभु जी का उत्सव है, आज बारूथनी एकादशी है, आज ईर्ष्या का परित्याग करने का संकल्प करना है। फिर ईर्ष्या का संकल्प वापस आप दूर करने का संकल्प आप वापस जब अगले वर्ष एकादशी आए उस समय करना। ऐसे 5 वर्षों तक लगातार हमारे मन बुद्धि चित्त में रही हुई किसी के प्रति अगर ईर्ष्या है, कोई विषय के प्रति ईर्ष्या है, कोई व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, तो उस ईर्ष्या का परित्याग हम कैसे करेंगे? उस ईर्ष्या का परित्याग करने के लिए हम आज से श्री महाप्रभु जी के उत्सव से शुरू करते हैं कि हर एकादशी को इस प्रकार के और 23 नियम लेंगे। पहला नियम लिया हमने, पहली एकादशी महाप्रभु जी का उत्सव, हम जीवन में बने इतने कम से कम ईर्ष्या का स्वीकार जीवन में करेंगे, कम से कम लोगों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, अपनी प्रसंगों के प्रति, उनके वैभव के प्रति, उनके आचरण के प्रति, उनके व्यवहार के प्रति, किसी भी प्रकार से हमारे मन से कैसे ही ईर्ष्या दूर हो। अपनी वैष्णवता को उजागर करने के लिए ये 24 अमृत बिंदु, जिनका परित्याग करने से, अमृत बिंदु इसलिए कि उनका परित्याग हमें करना है, क्योंकि हमारे अमृतमय स्वरूप ऐसे प्रभु को प्रसन्न करना है। आज तक हमारे जीवन में ये 24 बातें सहज रूप से आसपास घूमती रही और हमें इनके कभी ना कभी इनके संसर्ग में, संपर्क में आते रहे, और ये हमारी वैष्णवता का स्वरूप हमसे भुलाते रहे। तो पहली एकादशी को हमें संकल्प लेना है कि मैं ईर्ष्या से बचूंगा, ईर्ष्या का परित्याग करना है। दूसरी एकादशी के दिन हम राग द्वेष से बचें ऐसा संकल्प लेना चाहिए। किसी ने हमसे कुछ किया, वो उसका लुक आफ्टर है, वो उसका, उसके पास जो माल था उसने बेचा, मुझे लेना जरूरी नहीं है, राग द्वेष से बचें। तीसरी एकादशी अहंकार से बचें, अहंकार विमूढ़ेषु सत्सुपापानुवर्तिषु। तो कृष्ण एव गतिर्मम, श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि अहंकार से हमें बचना चाहिए। अहंकार ही तो व्यक्ति के, वैष्णव के जीवन में दासत्व का उदय नहीं होने देता है, इसलिए अहंकार का परित्याग करें। तीसरी बात। चौथी बात, असत्य भाषण। बार बार अपने निज स्वार्थ के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए बार बार असत्य भाषण करना, झूठ बोलना, इससे हमें सावधान रहने के लिए चौथी एकादशी को यह व्रत करना चाहिए। पांचवी एकादशी को परुष भाषण, कठोर बोलना, किसी को अप्रिय लगे ऐसा बोलना, किसी को पसंद ना आए, मन दुख हो ऐसा बोलना, ऐसी कठोर वाणी का परित्याग करेंगे ऐसा संकल्प वैष्णव को लेना चाहिए। छठे 11 को प्रमाद, आलस्य का त्याग करना चाहिए। ठाकुर जी को सेवा करनी है, सत्संग में जाना है, मंदिर में, हवेली में सेवा के लिए जाना है, आज हिंडोरा की सेवा है, आज सांझी की सेवा है, नाव की सजावट करनी है, आज सांझी की सेवा करनी है, जो सेवा में गुरु आज्ञा हो उस प्रकार से हम सेवा करें, लेकिन उसमें प्रमाद न हो, उसमें आलस्य न हो। तत्सुख का विचार करते हुए, गुरु आज्ञा का विचार करते हुए, प्रमाद रहित हमें भगवत सेवा, सत्संग आदि करना है, ऐसा संकल्प हम लें। सातवां संकल्प है क्रोध, अतिक्रोध। सातवीं 11 को हमें संकल्प लेना है कि भगवत सेवा के समय में तो बिल्कुल हमें क्रोध करना ही नहीं है, और अनवसर काल में अच्छी या बुरी वस्तु के लिए जो हम आग्रह रखते हैं उसीलिए तो क्रोध आता है। अच्छी वस्तु का आग्रह रखेंगे और वो नहीं हुआ तो भी क्रोध आता है,
और बुरी वस्तु के लिए हमने आग्रह रखा और हमें वो पूरा नहीं हुआ तो हमें क्रोध आया। जहाँ अति आग्रह या आग्रह होगा और उस प्रकार से न होने से क्रोध आता है, तो बने वहां तक वैष्णव के जीवन में से क्रोध को हम विदाय करें। आठवीं ग्यारस के दिन काम, कामुकता, जो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, अद्भुत, ये सब जो रस कहे हैं, इन रसों को हम सहज रूप से जीवन में जीते हैं, लेकिन केवल किसी के प्रति आकर्षित होते हुए, अपनी कामुकता का परिचय देते हुए, हम जब अपने चरित्र से विचलित होते हैं, उस प्रकार का कृत्य वैष्णव के द्वारा न हो, ऐसे काम से, ऐसे कामुकता से हमें बचना चाहिए। श्री आचार्य चरण के शब्दों में अगर कहें तो कामो हरे दृदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेद्रुवम्, पुष्टिमार्गे हरेरदास्यम धर्मोर्थो हरिदेव ही, कामो हरण दृदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेद्रुवम्। भगवान को निरखना और उनके रूप पर मोहित हो जाना, यही तो वैष्णव का काम है, यही तो उसकी कामुकता है कि मेरे प्रियतम की छवि को मैं निहारता रहूं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम के रूप में उस परम मधुर, परम चतुर शिरोमणि, ऐसे हमारे नायक प्रभु को हम निरखते रहें और उनके प्रति ही हमारी संपूर्ण कामुकता आपके सौंदर्य में विलीन हो, यही तो काम है। तो अलौकिक काम का आश्रय करें, लौकिक काम कामुकता की निवृत्ति हो, ऐसा संकल्प हमें ये आठवीं एकादशी को लेना है। नौवीं एकादशी के दिन तुलना, कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है वो ऑलवेज इससे उसका कंपैरिजन करेंगे, उससे किसी तीसरे का कंपैरिजन करेंगे और हमेशा तुलना करते रहेंगे दोनों के बीच में। उनको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया होता है, वो मनोमन अपने स्वभाव के कारण, अपने स्वभाव के वश होकर, अपनी मानसिकता से वश होकर, माइंडसेट के कारण से वो निरंतर दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे दो संगीतकार हैं तो उनके बीच में तुलना करेंगे, दो फ्लूट बजाने वाले हैं तो उनके बीच में तुलना करेंगे। स्वाभाविक रूप से प्रभु की सृष्टि के, सर्जन के ये सब अंग हैं तो सब एक समान नहीं होते, कोई विशेष होता है, कोई में कोई बात विशेष होती है, कोई में कोई बात विशेष होती है, लेकिन उनकी तुलना करने का अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया है। जो जैसा है वो अपने स्थान पर उचित है और उसे अपने स्थान की गरिमा के अनुरूप वो कार्य अपने आप की, अपने वो उस कला को परफॉर्म करता रहे, उसके लिए उसे मोटिवेट करना, उसे सपोर्ट करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नो वन हैज गिवन दिस राइट टू अस टू एनालिसिस, हमें करें उसके बारे में कि ये श्रेष्ठ है, ये गौण है, ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये कनिष्ठ, ये तुलना हमें नहीं करनी चाहिए वैष्णव के रूप में, किसी की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। और दसवें एकादशी के दिन हमें कौन सी चीज का त्याग करना है, असहिष्णुता, इम्पेशन। असहिष्णु हम हो जाते हैं बहुत जल्दी, हम इम्पेशन हो जाते हैं बहुत जल्दी, हम उग्र हो जाते हैं, ये जानते हुए कि अंते धार्यु धनिनुज थवानुज है, फिर भी कभी कभी बहुत दुखद परिस्थिति हो तो भी हम असहिष्णु हो जाते हैं। और जब हमारे पास हमारा सोचा हुआ, विचारा हुआ, जिसके लिए हमने स्वप्न देखे, जो ड्रीम देखा था वो पूरा हो गया, तो भी उसको जीने में हम मदमस्त होकर असहिष्णु हो जाते हैं। तो असहिष्णुता से बचे हम, इम्पेशेंट ना रहे हम, ऐसा संकल्प हमें दसवीं एकादशी के दिन लेना है। ग्यारहवीं एकादशी को हमें अन्याश्रय का त्याग करना है, जो भी आशा हो और जिस किसी भी प्रकार की आसक्ति हो वो केवल हमको हमारे इष्ट में ही हो, प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण गोवर्धन धरण में ही हो। गुरु रूप से अगर हमें किसी में भी आसक्त होना हो तो हमारे श्री वल्लभादीश प्रभु में ही हमारी अनन्य आसक्ति होनी चाहिए। देवी के रूप में अगर किसी को अर्चन करना है, वंदन करना है, तो श्री स्वामी जी स्वरूप से या श्री यमुना जी के रूप से हमें अनन्य भाव से उनकी सेवा, स्मरण, चिंतन करनी है। अन्य आश्रय अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या अपने किसी ग्रह दोष के निवारण के लिए या किसी अपनी लौकिक कामना की पूर्ति के लिए किसी अन्य देवी देवता का
आश्रय न करना और सभी प्रकार की आशा और आसक्ति एकमात्र अपने प्रियतम प्रभु के संग रखनी, उसी का नाम अनन्य आश्रय है। और जब हम छोटी छोटी बातों के लिए तरह तरह की विधियां कराते हुए और छोटे छोटे अपेक्षित कार्यों को सिद्ध करने के लिए हम अन्य देवी देवताओं का आश्रय करते हैं, वो वैष्णव के रूप में कृष्ण भक्त के रूप में हमें नहीं करना चाहिए। इष्टस्य दुष्ट संबंधे शिष्ट पुष्टि विमुंचति। इष्ट के बारे में दुष्ट संबंध करने से कितना भी शिष्ट व्यक्ति हो, उसकी शिष्ट पुष्टि विमुंचति, उससे भगवान की कृपा दूर हो जाती है जो बार बार अन्य देवों का आश्रय करते हैं। प्रणाम सभी को करना है, वंदन सभी को करना है, आदर सभी को देना है, सभी पूजनीय हैं, अनादर किसी का नहीं करना चाहिए। लेकिन आशा और आसक्ति ये तो हमारे प्रभु में ही हमारी होनी चाहिए, इस प्रकार से अन्याश्रय का त्याग करें। 12वीं बात है आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा का अर्थ ये होता है कि हम अपने आप को ऑलवेज डिसग्रेड करें। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला, हूं पामर छू, हूं पंगू छू, हूं दीन छू, हूं हीन छू। निरंतर अरे आप वैष्णव हैं, आप श्री वल्लभ के शिष्य हैं, आपके माथे 14 भुवन का स्वामी हमारे ठाकुर विराज रहे हैं, आप दीनहीन किसी भी, हाँ लौकिक रूप से आर्थिक सामाजिक पारिवारिक मानसिक शैक्षणिक आदि आदि कमियां हो सकती हैं जीवन में, लेकिन प्रभु के सन्मुख अन्य के सन्मुख आत्मश्लाघा निरंतर करता रहना कि मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं। दीनता अलग वस्तु है, दासत्व अलग वस्तु है, लेकिन अपने आप को कोसते रहना उस संदर्भ में भी है। आत्मश्लाघा का कहीं कहीं अर्थ आत्म प्रशंसा भी होता है। या तो हम अपने आप को बहुत महान दिखाने की कोशिश करें, या तो हम अपने आप को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करें, अरे साहब मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सब जो भी है। नहीं, मैं जो भी हूं आपके अनुग्रह से, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। आत्मश्लाघा से बचें। 13वीं एकादशी के दिन हमें असमर्पित वस्तु का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। असमर्पित का त्याग, जो भी मुझे जीवन में जीवन निर्वाह के लिए लेना है वो मेरे प्रियतम प्रभु को समर्पित हो, वो आपका ही उच्छिष्ट हो, वो आपका ही अधरामृत हो, वो आपका ही प्रसाद और महाप्रसाद हो, उस बात का संकल्प लेते हुए बने वहां तक जीवन में। मैं तो 5 वर्ष का समय आपको दे रहा हूं, प्रतिवर्ष वर्ष में आने वाली महाप्रभु जी के उत्सव के बाद आने वाली 13वीं जो एकादशी हो उस दिन आप संकल्प लें कि मुझे असमर्पित वस्तु का धीमे धीमे बाहर के खान पान का, बाह्य अन्य भोज्य पदार्थों का मुझे त्याग करना है। उस प्रकार से आप निरंतर मन में संकल्प लेंगे तो धीमे धीमे प्रभु और श्री महाप्रभु ये असमर्पित त्याग का भी आपका मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। असमर्पित वस्तु का त्याग करना चाहिए और समर्पित वस्तु को ही ग्रहण करने के लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। 14वां एकादशी व्रत के दिन हमें संकल्प लेना है कि ये 14वीं चीज मैं छोड़ूंगा और उसका नाम है असंतोष। जैसा प्रभु ने हमें दिया है, जिस प्रकार से जीवन दिया है, जिस किसी के साथ दिया है, और जो भी कुछ द्रव्य आदि हमारे पास हमारे प्रारब्ध में हमारे भाग्य में था, जैसा प्रभु ने दिया है उसको स्वीकार करते हुए आश्रो एक श्री वल्लभाधीश को, श्री आचार्य चरणों का, गुरुदेव का और प्रभु का, इन दोनों का आश्रय दृढ़ करते हुए मन में संतोष धारण करना कि मेरे लिए शायद इतना ही अपेक्षित था, उचित था, इतने में ही मेरा भला होना था, इसलिए इतना ही दिया है, इससे ज्यादा मैं पचा भी नहीं पाता, इसलिए प्रभु ने बहुत संतुलित रूप से मुझे दिया है, इस बात का हमें संतोष मन में रखना चाहिए। तो
चौदहवीं एकादशी के दिन जो असंतोष है उसका त्याग करते हुए संतोष तत्व को जीवन में ग्रहण करना चाहिए, असंतोष का त्याग करें। पंद्रहवीं एकादशी के दिन लोभ, उसके पास है मुझे हर हालत में अपनी क्षमता हो ना हो मुझे प्राप्त करना है, और निरंतर किसी के भी पास की उत्तम वस्तु देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा होने लगे, और हमारे पास जो है वो कभी किसी को दिखाना भी नहीं है, देना भी नहीं है, उसका जिक्र भी नहीं करना है, और छुपा छुपा के हमारे पास अनेक गुना हो तो भी और कुछ भी ना हो तो भी यत किंचित जो भी हमारे पास है उसका संग्रह करते हुए उसका दान भोग नाश तीनों में से किसी का भी प्रकार न लेते हुए और निरंतर संग्रह करते रहना और उसका सदुपयोग नहीं करना, यही लोभ वृत्ति है। लोभ वृत्ति का त्याग हो। सोलहवीं एकादशी के दिन हमें करना है क्या त्याग करना है, स्वार्थ का त्याग करना है। मारो मारो सैयारो पारको बधुएनो, ऐसा नहीं होता है। स्वार्थ का त्याग करना ही वैष्णव के जीवन में जितना प्रभु ने चाहा इतना, मेरे जीवन में जिससे परमार्थ हो सके इतना प्रभु ने दिया, बाकी के स्वार्थ की रेस तो रेट रेस है, वो कभी पूरी नहीं होती, निरंतर चूहा चलता ही रहता है। यहाँ भी मुँह मारेगा, वहाँ भी मुँह मारेगा, यहाँ भी खा लेगा, यहाँ भी कुतर लेगा, निरंतर स्वार्थ की दौड़ तो चलती रहती है। स्वार्थ के बदले व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान होना चाहिए। स्वार्थ तो अवैष्णव के जीवन में भी होता है, वैष्णव के जीवन में भी होता है। हमें भगवत सेवा का स्वार्थ, ये सेवा कब मुझे मिलेगी, ये सत्संग में जाना है, सत्संग में जाने का स्वार्थ, ये वैष्णवी नियमों का पालन करना है, उसके लिए हम स्वार्थी बने। जो वस्तु नाशवंत है और साथ में नहीं ले जानी है उसके लिए हम क्यों स्वार्थ करते हैं, क्यों स्वार्थ रखते हैं, क्यों दौड़ लगा रहे हैं। स्वार्थ का परित्याग करें। सत्रहवीं एकादशी के दिन, 17th एकादशी के दिन मोह का त्याग करें। मदन मोहन, ऐसे हमारे प्रभु के मदन मोहन प्रभु के स्वरूप में आसक्त हो, मद भी नहीं करें और मोह भी न रखें। मद न मोह न, मोह हमें केवल अपने प्रभु का दासत्व हमने स्वीकार किया है, उस दासत्व में कभी कोई आंच ना आए, कभी कोई कलंक ना लगे, ऐसा मोह हमें रखना चाहिए, ऐसी जागृति हमें रखनी चाहिए। पर पद प्रतिष्ठा का मोह, धन संपत्ति का मोह, अपने आप में कितने अलग अलग प्रकार का कितना समूह किसके पास है उसका मोह, और निरंतर उस मोह को हम स्वयं ही तो उस मोह को खाद डालते हैं, पानी डालते हैं और उस मोह को बढ़ाते जाते हैं, और जितना मोह बढ़ता है इतनी भगवान में से आसक्ति हमारी दूर होने लगती है। मोह प्रभु के प्रति होना चाहिए, मनमोहन के प्रति हमारा मोह होना चाहिए, और प्रभु से हम कहें कि ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, प्रभु ये आपसे उलझ चुके हैं, अब हमें सिवाय अपने आरोग्य के वो स्वस्थ रहे, वो भी इसलिए कि वो आपकी सेवा में प्रवृत्त हो सके, और किसी बात का हमारे जीवन में मोह नहीं है, इस बात को हम ध्यान में रखते हुए मोह का, लौकिक प्रकार के मोह का परित्याग करें। ऐसे 24 एकादशी के दिन ये 24 संकल्प, जब जब पुत्रदा एकादशी आए तो उस दिन हमने क्या संकल्प लिया था भाई, हमने उस दिन अन्याश्रय त्याग का संकल्प लिया, अन्याश्रय का त्याग करना है और अनन्याश्रय की भक्ति करनी है। इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे, जब हम आचरण में रखेंगे, मुझे लगता है ये 24 विषय ऐसे हैं कि स्वतंत्र रूप से एक एक विषय को लेकर ईर्ष्या, दुस्संग, राग द्वेष, अहंकार, आलोचना निंदा, ये सब एक एक विषय ऐसे हैं, असहिष्णुता, क्या क्या, लोभ, स्वार्थ, असंतोष, आत्मश्लाघा, असमर्पित त्याग, मोह और समय का दुरुपयोग, अज्ञानता, आत्मप्रशंसा, आलोचना, कितने विषय हैं।
इन सभी पर एक एक विषय पर एक एक शब्द के ऊपर एक एक सत्संग किया जाए तो हम 24 सत्संग की सीरीज तो इसमें ही हम चिंतन कर सकते हैं। तो आज के वर्षोत्सव के इस क्रम में 24 एकादशियों को हमें व्रत उपवास सेवा भगवत संकीर्तन कीर्तन पाठ आदि के साथ साथ व्रत उपवास के साथ साथ हमें संकल्प लेना है कि इन प्रति एकादशियों को आज हम इस वस्तु का परित्याग करेंगे। और ऐसा संकल्प आप 5 वर्षों के लिए लें। हर एकादशी को आपको स्मरण होना चाहिए कि मैंने पिछली एकादशी में क्या छोड़ने का संकल्प किया और इस एकादशी को मैं ये इस वस्तु को छोड़ रहा हूँ। पिछली एकादशी को मैंने क्या छोड़ा था और इस एकादशी को मैं क्या छोड़ रहा हूँ। इस बात का स्मरण आप प्रति एकादशी को करते हुए जो ये 24 जो दुर्गुण हैं जो हमारी वैष्णवता को शोभा नहीं देते हैं और हमें प्रभु से दूर रखते हैं ऐसे इन अनावश्यक तत्वों को हमें इन 24 एकादशियों को इनका त्याग करते हुए और हमारे भगवत नाम की मात्रा को बढ़ाते हुए भगवत सत्संग की मात्रा को बढ़ाते हुए निरंतर हमें वर्षोत्सव में आने वाले सभी तीज त्यौहार महोत्सव उत्सवों का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आज के इस सत्संग में विशेष विस्तार की विवक्षा न रखते हुए यत्किंचित जो भी कुछ कहा गया अपने वाक् सुमनों को आप सभी के अंतर में विराजमान प्रियतम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।